हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ है, जिसमें एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के संबंध में आवेदन की तिथि दोस्तों विस्तारित हुई है। अब ये तिथि 25 मई 2020 तक विस्तारित हो गई है। इससे पहले 10 मई तक आवेदन आमंत्रित थे। तो दोस्तों, आज इसी एक प्लेटफॉर्म पे हम ना केवल आपको एआरपी का फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, बल्कि पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल करेंगे। तमाम शिक्षक भाई बहन ये क्वेरी कर रहे हैं तमाम बिंदुओं पे कि एआरपी की योग्यता, अर्हता और शर्तें सर कंप्लीटली समझाइए, क्योंकि वो आवेदन के इच्छुक हैं। कई कॉल्स हमारे पास आए, तमाम शिक्षक भाई बहन पूछ रहे हैं। इससे संबंधित दोस्तों वीडियो में डाल चुका हूं, लेकिन आज माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ कार्यालय के द्वारा जो भी एआरपी पद की योग्यता और आवश्यक शर्तें हैं और कितना मानदेय मिलना है, क्यों मिलना है, हम पूरी की पूरी बात आपको एक एक बिंदु दोस्तों स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से एआरपी के चयन हेतु जो विज्ञापन था वो 10 मई 2020 तक आवेदन पत्र दोस्तों आमंत्रित किया गया था, जिसे नोवेल कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉकडाउन के कारण बढ़ाकर दिनांक 25 मई 2020 तक माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी प्रतापगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजना है। आवेदन पत्र के समस्त नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी। क्या शर्तें रहेंगी मैं आपको बताऊँगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति ऊपर का जो पत्र है अमर उजाला, और दूसरा ये दैनिक जागरण में भी यही पत्र में बात प्रकाशित हुई है कि 25 मई तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा आप आवेदन अपना भेज सकते हैं। अब हम आपको आवेदन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक 1 में एआरपी के फॉर्म को अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से एक्सेस कर लेना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब हम आपको एआरपी पद की अर्हता, शर्तें और जो भी मानदेय है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये लेटर पहले से ही जारी हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, और इसमें जो डिटेल्स है हम आपको बता देते हैं। एआरपी का जो पदनाम है आपके सामने, एआरपी के जो पद हैं वो आपके सामने दोस्तों क्लियर हैं। आपका एआरपी हिंदी है, एआरपी अंग्रेजी है, एआरपी गणित है, एआरपी विज्ञान है और एआरपी सामाजिक अध्ययन है। अब आप ये देख लीजिए कहाँ किस ब्लॉक संसाधन केंद्र में एआरपी के कितने पद खाली हैं। तो एआरपी हिंदी के कुल 11 पद जो है दोस्तों अभी खाली हैं, और एक जो है पद नगर संसाधन केंद्र पे भी खाली है। एआरपी अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, 16 पद बीआरसी लेवल पे खाली हैं, एक नगर संसाधन केंद्र पे खाली है। एआरपी गणित के 12 पद भी खाली हैं और एक नगर संसाधन केंद्र पे। एआरपी विज्ञान के 14 पद, एक नगर संसाधन केंद्र पे, और एआरपी सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान के 15 पद बीआरसी पे खाली हैं और एक नगर संसाधन केंद्र पे। यानी कुल जो पद अभी वैकेंट हैं ब्लॉक संसाधन केंद्रों पे 68 हैं और नगर संसाधन केंद्र पे पूरे के पूरे खाली हैं, यानी 5। कुल 73 पद पे दोस्तों आवेदन होना है। अब आप शर्तें जानिए। शर्तें ये हैं कि अगर आप एआरपी हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक के अंतिम वर्ष में, गौर करिएगा, स्नातक के अंतिम वर्ष में आपका हिंदी विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एआरपी अंग्रेजी पद पे आवेदन करने जा रहे हैं तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य हो। एआरपी मैथमेटिक्स का आवेदन करने जा रहे हैं तो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर आप एआरपी मैथमेटिक्स आवेदन करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय होना चाहिए, यानी आपका बीएससी होना चाहिए और बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय ये होना ज़रूरी है। पीसीएम ग्रुप दोस्तों बनता है
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब एआरपी विज्ञान का अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एआरपी गणित में मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वैसे एआरपी साइंस में आपका ये जीव विज्ञान, जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ये दोस्तों होना, ये कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अब एआरपी सोशल स्टडी का दायरा थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, अब यहाँ पे कर दिए हैं ग्रेजुएशन में आपका चाहे सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो और आपका नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो यानी अर्थशास्त्र हो, साइकोलॉजी हो और सैन्य विज्ञान यानी डिफेंस स्टडी, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर में कोई दो विषय आपके होने चाहिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अर्हता एवं शर्तें। वांछित विषय में स्नातक उपाधि होने के साथ साथ अध्यापक प्रशिक्षण की भी उपाधि होना ज़रूरी है। केवल दोस्तों स्नातक उपाधि से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएट तो आप हों और टीचर का जो ट्रेनिंग है उसकी भी योग्यता होनी चाहिए। प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षण का कम से कम आपको 5 साल का अनुभव। अभी हमारे से एक शिक्षक साथी हर्षवर्धन भाई ने कल ही पूछा था, मुझे क्लियर था लेकिन मुझे एक बार देखना ज़रूरी था, तो आज मैं वीडियो उनके लिए भी खासतौर पर इसे बना रहा हूँ कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षण का, टीचिंग का कम से कम 5 साल का अनुभव मित्र होना ज़रूरी है अगर आप एआरपी का फॉर्म भरना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है सेवानिवृत्त होने में न्यूनतम आपका 10 वर्ष शेष हो, आपको रिटायर होने में 10 वर्ष अभी बचा हो भाई। आगे चलते हैं, चौथा बिंदु कहता है किसी भी प्रकार की जांच गतिमान ना हो और ना ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की हो, कोई आपके ऊपर इंक्वायरी पुटअप ना हो, ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपको के अगेंस्ट लिया गया हो। अब आपको कैसी परीक्षा होनी है, विषयवार लिखित परीक्षा आपकी होगी 60 नंबर की, सब्जेक्ट का दोस्त 60 नंबर रहेगा, माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रदर्शन 10 से 15 मिनट का होगा, सब्जेक्ट की लिखित परीक्षा आपने 60 अंक की दे दिया, 10 टू 15 मिनट का आपका माइक्रो टीचिंग होगा, प्रतिभागी 30 अंक एवं साक्षात्कार 10 अंक। तो माइक्रो टीचिंग का आपको 30 नंबर मिल जाएगा, इंटरव्यू का 10 नंबर। आप देख लीजिए 60 नंबर रिटर्न, लिखित 60 नंबर, माइक्रो टीचिंग 30 नंबर, 60-30-90 हुआ ना, इंटरव्यू 10 नंबर, 100 हो गया आपका। तो लिखित परीक्षा में गौर करने की बात है, 60% अंक आपको पाने हैं, 60% या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही माइक्रो टीचिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन में भी 60% आपको पाने हैं, 60% एक आपका क्राइटेरिया है, उससे वहाँ तक या उससे अधिक पाएंगे तो ही आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और साक्षात्कार में 60% या उससे अधिक पाने वाले अभ्यर्थी ही फाइनल चयन हेतु क्वालिफाई करेंगे। लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के कुल योग को जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों का नंबर 60% या उससे अधिक होगा उन्हीं अभ्यर्थियों को एआरपी चयन के मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा। अब दोस्तों ये मान के आप चलो कि अगर किसी में मान लो पूरा का पूरा आप जोड़ लो, आप रिटर्न, माइक्रो टीचिंग और इंटरव्यू तीनों में मोर देन 60% आप हैं, तभी आप एआरपी बनने के योग्य होंगे। विज्ञप्ति में संशोधन अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी को होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर लाल रोशनाई से मोटे अक्षरों में आवेदित पद एवं विषय का नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। तो आप एक बड़ा सा एनवलप लीजिए, A4 साइज से थोड़ा बड़ा, उसमें लाल रोशनाई से आप मोटे अक्षरों में आवेदित पद आप अपना डालिए, एआरपी गणित हिंदी जो भी हो, और विषय का नाम डालिए, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त शैक्षिक अभिलेख नियुक्ति पत्र, समस्त शैक्षिक अभिलेख भी आपको लगाना है, आवेदन पत्र भी लगाना है और आपको नियुक्ति पत्र भी आपको इसमें इनक्लोज करना है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है
वो ये है कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, जिस ब्लॉक में आप शिक्षक हैं वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से आपको अग्रसारित और प्रमाणित कराना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षण अनुभव की गणना हेतु विज्ञापन तिथि को आधार माना जाएगा, तो जो भी विज्ञापन तिथि है उसी को दोस्तों आधार माना जाएगा शिक्षण अनुभव। अभी ये विज्ञापन तिथि विस्तारित हुई है तो इसको आप आधार मान सकते हैं जो भी है। एआरपी का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित है। आपका कार्यकाल अगर आप चयनित होते हैं तो 1 साल के लिए आपका निर्धारित है। प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात नवीनीकरण किया जाएगा। आपका जो निष्पादन रहेगा जनपद स्तर की कमेटी उसको विचार करेगी आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए और उसे आगे एक्सटेंड करेगी। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः चयन की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन आप 3 साल तक इस पर काबिज रहेंगे, उसके बाद चयन प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। एआरपी का आवेदन पत्र मुख्यालय एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों पहले लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लॉकडाउन पीरियड है तो आप ब्लॉक संसाधन या मुख्यालय ना जा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से आप इसे डाउनलोड कर लें। अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म है या आपने संबंधित जो प्रमाण पत्र संलग्न होने की बात हो रही नहीं किया है तो आवेदन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। एआरपी का वेतन उसी विद्यालय से निकलेगा जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, तब वेतन मान में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जहाँ पे हैं आपका वेतन, आप पदस्थापित होंगे जिला परियोजना कार्यालय के लिए, लेकिन वेतन आप उसी विद्यालय से पाएंगे, वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उक्त कार्य हेतु एआरपी को 2,500 रुपये, मेंटर को 1,000 की धनराशि प्रतिमाह मोबिलिटी या वाहन भत्ते के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मोबिलिटी भत्ता आपको मिलेगा और अन्य कोई इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज आपके सामने मैंने पूरा का पूरा ये एआरपी पद पे आवेदन संबंधित ना केवल फॉर्म के बारे में, तिथि के विस्तारित होने के बारे में और कंप्लीट जो उसकी योग्यता है, क्राइटेरिया है, अर्हता है, शर्तें हैं, सब बता दिया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना, लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।